हेलो गाइस, वेलकम टू आयांस किचन। गाइस, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं मोमोज मंचूरियन की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना तो इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार सी मोमोज मंचूरियन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मोमोज मंचूरियन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, यानी कि 2 कप। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। नमक ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे दोनों हाथों से करेंगे जिससे नमक और ऑयल अच्छे से मिल जाए और कोई लम्स ना आए। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। ऑयल और नमक मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम कचौड़ी या रोटी का डो लगाते हैं, आटा यानी गूंथते हैं, उसी तरीके से हम इसका एक डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि नरम नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसका एक डो तैयार कर लें। ये देखिए, हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। और अब हम स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक हम ये देख लेते हैं कि हमें स्टफिंग के लिए चाहिए क्या क्या। तो उसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल पहले से ही कट करके रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप्ड किया है और 2 इंच अदरक को भी एकदम बारीक चॉप्ड कर लेना है। 1 शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को छोटे छोटे पीसेस में और 1 गाजर को कद्दूकस कर लेना है यानी ग्रेट कर लेना है। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप्ड कर लेना है और यहाँ पे कुछ लहसुन को भी बारीक चॉप्ड कर लेना है। लहसुन और अदरक थोड़ा ज़्यादा लेना है। और यहाँ पे मैंने 1 पत्ता गोभी यानी 1 कैबेज को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। तो सारे चीज़ों को इस तरीके से कट कर लें। उसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डाला है, आप देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच हमने यहाँ पे तेल डाला है। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सभी चीज़ें बारी बारी से ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें बारी बारी सभी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अदरक डाल देंगे। अदरक डालने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे और लहसुन डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। 10 सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि किसी भी वेजिटेबल को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा हमें इसका कच्चापन निकालना है। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे गाजर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें कैबेज डाल देंगे यानी पत्ता गोभी। और सभी चीज़ों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। थोड़ा सा बस हमें इसे टॉस करना है, इसे कुक नहीं करना, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को हम डाल दिए हैं और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर इसे हमें कुक करना है जिससे कच्चापन इसका निकल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। और सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे थोड़ी देर और कुक करना है। तो थोड़ी देर हम इसे और कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मोमोज की स्टफिंग बनके रेडी है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे
जब हम ये ठंडा हो जाएगा तभी हम मोमोज बनाएंगे। इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मोमोज की स्टफिंग जो है ठंडी हो गई है। अब हम चलते हैं मोमोज का शेप देने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो डो तैयार किया था उसे इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से कर लेंगे, जिससे जो डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा भी लिया है, तो थोड़ा सा इसे हाथों में लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथों पे लेके तोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी लोई हमें बना लेनी है। बस इतनी ही साइज की हमें बनानी है। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथों पे ऐसे घुमाते हुए गोल कर लेंगे, जैसे रोटी या पराठे का बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। बस इसकी छोटी छोटी साइज होनी चाहिए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सारे लोई को बना लिया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम चलते हैं इसे रोल करने के लिए, यानी कि इसे बेलने के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो एक लोई लेंगे और फिंगर की मदद से ऐसे इसे दबाएंगे और थोड़े से सूखे मैदे में हम इसे लपेटेंगे, यानी कि लगाएंगे, और इसे इस तरीके से हम बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है क्योंकि हमें इसे बहुत बड़ा नहीं बनाना है। इसी तरीके से सारे को बना लेना है, यानी कि जितना भी आपको बनाना है उतना बना लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कितना मोटा पतला रखना है। तो ये देखिए, हमने एक रोटी बना के तैयार कर लिया है। देखिए, इतना पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत पतला, अभी इतना एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। और हाँ गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम लोई बनाएंगे उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ देंगे। लोई बना के वैसे ही छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें जो रोटी बनाना है ना, वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मैदा का रोटी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ईजिली बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने दूसरा भी बना लिया है। जितना भी आपको बनाना हो उतना बना लीजिएगा। तो मैं पहले यहाँ पे 7 बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम बना लेंगे सारे को। आप देख सकते हैं, दूसरा भी मैंने उतना ही पतला रखा है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमें जितना बनाना होगा बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 7 बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इसे स्टफिंग करने के लिए, यानी मोमोज की शेप देने के लिए। मोमोज की शेप देने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी भी रखा है। तो हम एक रोटी लेंगे हाथों पे, यानी हथेली पे, और उसके बाद हम साइड में चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये फिंगर की मदद से इस तरीके से लगा लें। जिसको मोमोज बनाना नहीं भी आएगा ना, मैं इतनी आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ कि वो भी पहली बार में एकदम परफेक्ट बनाएगा। और अब हम यहाँ पे बीच में स्टफिंग डालेंगे। तो जितनी भी स्टफिंग डालनी हो उतना डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा। और स्टफिंग डालने के बाद इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे, यानी जगह जगह पे हम इसे इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से चारों तरफ कर लें, यानी कि जितना स्पेस है थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से चूनट जैसा बना लें। तो इस तरीके से करने के बाद हम सभी चूनट को, यानी कि जो मोड़े हुए पार्ट को, हम आपस में मिला देंगे, ये देखिए। और फिर हमें इसे अच्छे से बीच में दबा देना है, जिससे कि ये खुले नहीं। और ये जो थोड़ा सा बीच में है, इसे भी हम अच्छे से दबा के इसे ऐसे ही रहने देंगे, जिससे कि मोमोज देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा मोमोज का शेप बना है। और आपने देखा है कितना आसानी से बन भी गया। आपको अगर मोमोज बनाना बिल्कुल भी नहीं आता ना, आप इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे मोमोज बना लेंगे। मैं यहाँ पे एक आपको और बना के दिखाती हूँ। ये आप देखिए, मैंने दूसरा भी बना लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं मोमोज। इसी तरीके से हम सारे मोमोज को बना लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 7 बनाया है। तो चलते हैं इसे कुक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और उसमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल दिया है। आप कोई भी पुरानी कढ़ाई या फिर कोई भी भगोना ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें बस स्टीम करना है।
यहाँ पे मैंने 2 से 3 ग्लास इसमें पानी डाल दिया और गैस के फ्लेम को हाई रखना है। और इस तरीके से हमें कोई एक जाली वाला बर्तन लेना है, आपके पास जो भी हो ले लीजिएगा। तो अब हम इसे ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और ब्रश से ग्रीस कर रहे हैं। आप जैसे भी चाहे इसे ग्रीस कर सकते हैं, जिससे मोमोज जो है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इसे ग्रीस करने के बाद हम साइड में रख देंगे और जो हमने पानी चढ़ाया है ना गर्म होने को, उसे हम कवर कर देंगे, जिससे जो पानी है वो जल्दी से मतलब गर्म हो जाए, इसमें अच्छे से उबाल आने लगे। तो इस तरीके से हम कुछ ढकने के लिए बर्तन ले लेंगे। आप चाहे भी भगोना भी लीजिए, लेकिन ढकने के लिए थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि टच ना करे, जिससे हम जो मोमोज स्टीम करेंगे वो अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से हम इस जाली वाले थाली में सारे मोमोज को रख देंगे। अब मैंने 7 लिया है, तो हम 7 मोमोज को रख देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने दूरी दूरी पे रखा है, तो इसी तरीके से रखना है, एकदम एक में एक को सटा के नहीं रखें। और इस तरीके से रखने के बाद हम पानी गर्म होने का वेट करेंगे। यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो गया है, यानी कि पानी में अच्छे से उबाल आ गए हैं। अब हम इसका कवर हटाएंगे और जो हमने मोमोज रखा था उसे हम इस पे रख देंगे। बस इस बात का खास ध्यान देना है कि आप जिस भी बर्तन में मोमोज रख रहे हैं, यानी जाली वाले बर्तन में, वो पानी से टच बिल्कुल ना होवे। तो इस तरीके से आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसे 15 मिनट हम इसे स्टीम करेंगे। तो आप 15 मिनट बाद इसे चेक करिएगा, ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, यानी अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो 15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। तो इसका कवर हटाएंगे और मोमोज को चेक करेंगे। तो ये देखिए गाइस, मोमोज जो है बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं, यानी कि स्टीम हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और सारे मोमोज को हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे, तो हम एक चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लें, ये देखिए मोमोज जो है कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मोमोज को निकाल लें। तो ये देखिए, हमने सारे मोमोज को प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मोमोज को हम एक साइड रख देंगे और चलते हैं इसका सॉस बनाने के लिए, यानी कि हम इसका जो मंचूरियन बना रहे हैं तो वो वाली ग्रेवी बनाने के लिए हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को इस तरीके से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में और एक शिमला मिर्च को इस तरीके से लंबाई में कट किया है और 2 इंच अदरक को बारीक चॉप्ड कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियों को बारीक चॉप्ड कर लिया है। लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा लेना है। और अब हम फिर से एक कढ़ाई गर्म करेंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऑयल डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिए हैं, अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल को थोड़ा सा फैला लें इस तरीके से और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें बारी बारी से डालेंगे। तो ये देखिए गैस, जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक, उसके बाद लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च और अब इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसे 10 से 12 सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, उसके बाद हम प्याज। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे हम थोड़ा सा टॉस करेंगे, क्योंकि हमें इसे कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालना है। तो इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम इसे टॉस करेंगे थोड़ी देर। तो प्याज, शिमला मिर्च और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से टॉस हो गए हैं, यानी कि जितना हमें कुक करना था हो गए हैं, क्योंकि हमें इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए बस इतना ही हमें करना है। अब हम इसमें सारे सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। गैस के फ्लेम को हम सारे सॉसेस डालने के टाइम लो कर देंगे। तो यहाँ पे नमक हमने डाल दिया है। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। यहाँ पे मैंने प्लेन विनेगर का यूज किया है। विनेगर डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 3 चम्मच रेड चिली सॉस, 3 चम्मच सोया सॉस,
एक चम्मच टोमेटो केचप, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी चीजें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें इस टाइम लो ही रखना है, तो इस तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को 4 से 5 चम्मच पानी में अच्छे से घोल लिया था, और उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जो सॉसेस है वो अच्छे से पक गए हैं, बट बहुत गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप पानी यहाँ पे डाल देना है, और पानी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। तो ये देखिए गाइस जो सारे सॉसेस है वो अच्छे से आपस में मिलजुल गए हैं और अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें जितना भी हमें मोमोज डालना है वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 13 मोमोज डाल रही हूँ, बाकी मैंने बाद में और स्टीम कर लिया था। यहाँ पे मैं सारे मोमोज को डाल दूंगी, तो इस तरीके से सारे मोमोज डाल दें। इसे डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सारे सॉसेस का सारे मोमोज पे अच्छे से कोटिंग हो जाए और मोमोज खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे। आप देख सकते हैं गाइस, इसे देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही लाजवाब बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ी देर इसे कुक करेंगे, यानी सारे सॉसेस का अच्छे से टेस्ट चला जाए मोमोज के ऊपर। तो थोड़ी देर इसे कुक करने के बाद, मोमोज डालने के बाद हम इसे 2 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। और अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए गाइस कितनी लाजवाब बनी है, आपके मुँह में भी पानी आ जाएगा देख के। मुझे तो बनाते बनाते ही मुँह में पानी आ जाता है इसे देख के। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़े से इसके ऊपर हम सॉसेस भी डाल देंगे, जिससे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो ये देखिए गाइस जो हमारी मोमोज मंचूरियन की रेसिपी है वो बनके रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए और खुश रहिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।